हाय बच्चों, आज नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं। ठीक है, मैटर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, मैटर की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मैटर का मैंने बताया कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, तो मैटर का मास इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज। भाई अगर वो इट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, दैट मीन्स इट हैज सम वॉल्यूम, और वॉल्यूम होगी तो कुछ एरिया भी होगा और कुछ उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, कुछ ऐसा भी कुछ ये डायमेंशंस भी होंगी उसकी। तो इनको भी मेजर, इन प्रॉपर्टीज को भी हमें मेजर करना होगा। अगर मैटर है तो उसका कोई टेम्परेचर भी हो सकता है, उसका वो किस स्टेट में है एक पॉइंट पे, और वो किस स्टेट पे दूसरी पॉइंट पे जा सकता है। जैसे कि अगर वो सॉलिड स्टेट में है और वो लिक्विड स्टेट में जाएगा, तो किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसी तरीके से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी गंध ओडर क्या है ना। और ये सब चीजें बेसिकली आती हैं तुम्हारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है वो दो तरीके से क्लासिफाई की जाती हैं। वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन या फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड अदर वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ जी, ठीक है, पहले इनको डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा मैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हुई? देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जिनको मेजर करने के लिए हमें मैटर में कोई केमिकल चेंज लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोबारा सुनो, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है जिनको मेजर करने के लिए उस मैटर में केमिकल चेंज लाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हुआ, मास, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मास है तो मास को मेजर करते हैं तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज करने की जरूरत तो है नहीं, कोई केमिकल चेंज उसमें होता नहीं है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उसका कलर देखना है या उसकी ओडर लेनी है। दीज आर द एग्जाम्पल्स, ये दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर मेजरिंग विच वी डू नॉट हैव टू कैरी आउट एनी केमिकल चेंज इन द मैटर, या जो सैंपल ऑफ मैटर बेसिकली। ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिख लो भाई। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिख लो। Those properties, physical properties ऐसे करके लिखना, उसके आगे लिख लेना, those properties which can be measured, those properties which can be measured or observed, which can be measured or observed without changing the identity or द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है ना, उसको उसे में कोई केमिकल चेंज अकर नहीं होगा, केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है जी, इसके एग्जाम्पल क्या हुए मैंने दिए तुमको, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, लिखो मास एग्जाम्पल के तौर पे, वॉल्यूम लिख लो, एरिया लिख लो, डेंसिटी लिख लो, कलर लिख लो, ऑर्डर लिख लो, लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो, कलर लिखो, ऑर्डर लिखो, दोबारा से बोल रहा हूँ, मास हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर, दिस क्या कहते हैं इसे, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे के सारे तुम्हारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल हो गए। तो मैं यहां लिख भी देता हूँ, एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, मास, एरिया, वॉल्यूम, बीपी, एमपी और कलर,
कलर, ओडर, ठीक है, डेंसिटी, ठीक है, ये सारे एग्जांपल मैंने दिए तुम्हें, ठीक, ओके, क्लियर है भाई। अच्छा अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको मेजर करने के लिए वी हैव टू कैरी आउट सम काइंड ऑफ अ फिजिकल, सॉरी केमिकल चेंज, है ना, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कुछ ना कुछ हमें चेंज लाना पड़ेगा, तभी जाके हम उन प्रॉपर्टीज को मेजर कर पाएंगे, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू डू दैट। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले, फिर उसके एग्जाम्पल दे देते हैं। डेफिनेशन लिखो, प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज विच रिक्वायर, दोज प्रॉपर्टीज विच रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू अकर, अ केमिकल चेंज टू अकर फॉर देयर मेजरमेंट, फॉर देयर मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन। दोबारा बोल रहा हूं, दोज प्रॉपर्टीज विच रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू अकर फॉर देयर मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, इसमें जैसे कंबस्टिबिलिटी इज एन एग्जाम्पल, कंबस्टिबिलिटी इज एन एग्जाम्पल, कंबस्टिबिलिटी समझते हो, कंबस्ट करना, कंबस्टिबिलिटी कंबस्शन समझते हो कि किसी चीज को एयर में जलाना है ना, तो उसको कंबस्शन हुआ, तो कंबस्टिबिलिटी कितना कंबस्टिबल है वो, एसिडिटी, बेसिसिटी एटसेट्रा, ठीक है ना, दिस इज द, दीज आर द वंस, एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा। इसमें एक चीज और लिख लेना, एक पॉइंट बोल रहा हूं उसको लिख लो, नोट डाउन करके लिखना उस पॉइंट को, लिखो उसको, केमिकल प्रॉपर्टीज आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, केमिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व, नॉट आर, केमिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ये लिखना पहले आ रहा है, ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात, ठीक, ये बेस हो गया, बहुत सिंपल सी चीज हो गई। अब हमें जानना है या इन, क्योंकि प्रॉपर्टीज हैं तो इन प्रॉपर्टीज का कुछ नेचर भी होता है, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, तो हम कहते हैं दे आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, ठीक, क्वांटिफाई करना या क्वांटिटेटिव इन नेचर होना क्या हुआ, कि किसी चीज को, किसी प्रॉपर्टी को हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, अगर तुम और तुम्हारा छोटा भाई या तुम्हारा बड़ा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, कोई भी तुम्हारी हाइट के बारे में बोले, है ना, तो एक तो कंपैरिजन हो गया कि भाई जो छोटा भाई है वो बड़े भाई से थोड़ा सा छोटा है, है ना, तो हमने हाइट को यहां पे क्वालिटेटिवली बता दिया विदाउट अ नंबर कि ये इससे छोटा है, तो ये रिलेटिव हो गया, है ना, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई जो बड़ा भाई है वो 5 feet टॉल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, that particular height, that particular property is quantifiable, उसको हम एक नंबर से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक, तो कुछ प्रॉपर्टीज इसमें होती है जो कि क्वांटिफाइबल होती है या क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है, और कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि क्वालिटेटिव होती है इन नेचर, उनको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो लिखो ये पॉइंट लिखो, सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आर क्वांटिटेटिव इन नेचर and others are qualitative in nature. Some of these properties are quantitative in nature and some of them are and other are qualitative in nature. ठीक है जी, तो इसमें जैसे
इसमें हम मार्क करके देखते हैं कौन कौन सी क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव है, ये भी क्वांटिटेटिव है, ये भी क्वांटिटेटिव है, ये भी क्वांटिटेटिव है। क्या ये क्वांटिटेटिव है? नहीं। क्या ये क्वांटिटेटिव है? नहीं। क्या ये क्वांटिटेटिव है? यस यस यस। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही क्वांटिटेटिव हो नेचर में या क्वालिटेटिव हो नेचर में। जरूरी नहीं है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ही क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव हो नेचर में। इनमें से कोई सी भी प्रॉपर्टी क्वालिटेटिव हो सकती है, कोई सी प्रॉपर्टी किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकती है ना। तो इसमें जैसे ये प्रॉपर्टीज हैं, ये क्वालिटेटिव है, बाकी प्रॉपर्टीज क्वांटिटेटिव है। अब हमें अपना फोकस किस पे लेके आना है? क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। मैं बता चुका हूं कि वो प्रॉपर्टीज जिनको हम एक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको बोलेंगे या बेसिकली द प्रॉपर्टीज विच आर क्वांटिटेटिव इन नेचर है ना आर द वंस विच वी आर गोइंग टू मेजर। भाई अगर क्वांटिटेटिव है तो उसको मेजर भी तो करना पड़ेगा ना। जैसे मैंने बोला था कि भाई बड़े भाई की जो हाइट है वो 5 फुट है या 5 फीट है, तो वो कैसे पता चला होगा? ऐसे बैठे होंगे सवेरे और ध्यान लगाया होगा तब पता चला होगा? नहीं, वी मेजर्ड इट है ना। वो जैसे शायद घर लोग घर पे करते हैं कि दीवार से खड़ा कर देते हैं एक फीटा या स्केल यहां पे रखते हैं, फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे तक उस हाइट को नाप लेते हैं है ना। तो वो नापना जो है, वो मेजरमेंट जो है, हम उसकी बात अब करेंगे ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड्स। ठीक है जी, तो उसको मैं मिटा रहा हूं। अब आगे की बात करते हैं, मेजरमेंट और यूनिट की बात करते हैं ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, इसी में एक सब पार्ट कह लो, दैट इज मेजरमेंट एंड यूनिट्स या यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट ठीक है। सबसे पहले मेजरमेंट को जानते हैं। जैसे मैंने अभी बोला किसी चीज को मापना या नापना जो होता है वो मेजरमेंट हो गया। द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एनीथिंग इज कॉल्ड मेजरमेंट है ना ठीक है। जो मेजरमेंट है किसी भी लाइक जो क्वांटिफाइबल क्वांटिटी है उसकी जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को नाप न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालना इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ठीक है। उस प्रॉपर्टी का मेजरमेंट हो गया। जैसे मैंने इसको बोला कि भाई ये बड़े भाई की हाइट जो है 5 फीट है ना। तो जो 5 है दैट इज द मेजरमेंट। जो 5 फीट मैंने लिखा था उसमें 5 जो है दैट इज द मेजरमेंट। दैट क्वांटिटी इज द मेजरमेंट कि वो क्वांटिटी है कितनी इन न्यूमेरिकल टर्म्स दैट इज द मेजरमेंट ठीक। अच्छा तो इस इनफैक्ट यहां पे कुछ बना ही लेते हैं। ठीक है जी, इसकी हाइट जो है वो 5 फीट लिए मैंने ठीक। इसमें जो ये 5 है दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ठीक है। ये मेजरमेंट हो गया। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है दिस इज कॉल्ड योर यूनिट। भाई अगर मेजर करेंगे तो कोई तो एक मापदंड, कोई तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना।
इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। मैं बचपन में, क्योंकि मैं सुभाष नगर में रहता हूँ, और बचपन में जब ये जगह जो थी यहाँ पे बहुत ही कम मकान हुआ करते थे, बहुत दूर दूर हुआ करते थे, तो सांप वाप कभी कभी निकल आते थे। तो मैंने सुना था बचपन में कि हाउ पीपल यूज टू एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ दैट स्नेक। दे यूज टू से कि भाई वो सांप एक हाथ लंबा था, ठीक है। सम पीपल एट सम अदर पॉइंट्स इन सम अदर केस वुड से दैट इट वाज टू, दो हाथ लंबा है। तो ये दो हाथ लंबा या एक हाथ लंबा, ये क्या है? दैट इज द यूनिट, दैट इज द यूनिट पीपल आर यूजिंग, दैट इज द स्टैंडर्ड पीपल आर यूजिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ दैट स्नेक, ठीक है। नाउ टेल मी, इज दैट यूनिट, दैट एक हाथ लंबा, इज दैट यूनिट रिलायबल? इज दैट यूनिट रिलायबल? नो, इट इज नॉट रिलायबल, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी का हाथ लंबा हो सकता है, किसी का हाथ छोटा हो सकता है। तो वो स्टैंडर्ड नहीं थी, वो यूनिट जो थी वो कोई स्टैंड, मतलब उसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया था कि भाई एक हाथ लंबा का मतलब ये लेंथ है एक हाथ लंबा, ऐसा नहीं था। अपने अंदाजे से लोग कह देते थे कि हाँ भाई ये एक हाथ लंबा इज दी, लाइक दे यूज टू यूज दैट एक हाथ लंबा इज दी यूनिट। दे यूज टू से कि भाई एक हाथ लंबा था सांप या दो हाथ लंबा था सांप, ठीक है। तो दे यूज टू यूज दैट एज अ यूनिट, हालांकि वो एक स्टैंडर्डाइज बेंचमार्क नहीं था, ठीक है, कि भाई एक हाथ मतलब इतना लंबा, तो वो रिलायबल यूनिट नहीं थी। क्लियर हुई ये बात? तो यूनिट को तुम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो दैट इट इज अ डेफिनेट, इट इज अ डेफिनेट मेजरमेंट ऑफ, लिख लो इसको, इनफैक्ट यूनिट को की डेफिनेशन लिख लो, यूनिट, यूनिट की डेफिनेशन लिखो, इट इज अ डेफिनेट मैग्नीट्यूड, इट इज अ डेफिनेट मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी, इट इज अ डेफिनेट मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी दैट इज यूज्ड, दैट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड, दैट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड टू फॉर मेजरमेंट ऑफ सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी, फॉर द मेजरमेंट ऑफ सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी। दोबारा से एक बार बोल रहा हूं, इट इज अ डेफिनेट मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी दैट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, जैसे इसकी हाइट 5 फीट थी, हमें नहीं पता कि ये 5 फीट, जब तक हमने फीट को डिफाइन नहीं किया हमें नहीं पता था कि ये 5 फीट है। पहले हमने बताया कि फीट जो है, एक फुट जो है वो इतना लंबा होगा, फिर उसके मल्टीपल्स में हमने देखा कि एग्जैक्टली उस लेंथ के 5 टाइम्स इसकी हाइट आ रही है, तो हमने कहा कि वो 5 फीट है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर ऑन दिस। नाउ जैसे लेंथ की अगर हम बात करें, लेंथ की, अभी तो हमने एक यूनिट बताई फुट या फीट, ये फुट और फीट तो सबको पता है ना भाई क्या होता है, वन मतलब फुट मतलब सिंगुलर, तो 1 फुट। लेकिन अगर उससे ज्यादा होगा, प्लूरल होगा नंबर, तो हम उसे 2 फुट नहीं कहेंगे, 3 फुट नहीं कहेंगे, उसको 3 फीट कहेंगे, 2 फीट कहेंगे, ठीक है। इसलिए हम यहां पे फुट और फीट यूज कर रहे हैं दोनों। अब मुझे ये बताओ कि क्या यही एक यूनिट है जो कि तुमने पढ़ी है लेंथ को मेजर करने की? नहीं, तुमने मीटर भी पढ़ा है, तुमने किलोमीटर भी पढ़ा है, तुमने सेंटीमीटर भी पढ़ा है, तुमने इंच भी पढ़ा है ना, बाकी और भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, एक फरलांग करके एक यूनिट होती थी बहुत पहले, बट एनीवे माइल भी पढ़ा होगा, है ना, माइल भी पढ़ा होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है, और ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने दे डिफाइंड एंड दे स्टैंडर्डाइज्ड दीज यूनिट्स, इन यूनिट्स को उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया, ठीक है जी। तो क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स हैं, है ना,
क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स है और हर जगह की एक अलग यूनिट हो सकती है मेजरमेंट के लिए, है ना। भारत की कोई अलग हो सकती है, चीन की कोई अलग हो सकती है, मेडागास्कर की कोई अलग हो सकती है, मोजाम्बिक की कोई अलग हो सकती है। तो जब आपको कहीं का कोई मेजरमेंट या इंडिया से कोई मेजरमेंट कहीं और भेजना है, फॉर एग्जांपल, या इंडिया में ही कहीं किसी दूसरी सिटी में या स्टेट में भेजना है, तो वी नीड टू हैव यूनिफॉर्मिटी ऑफ दीज यूनिट्स। मतलब मैं यहाँ पे फीट में मेजर कर रहा हूँ, वहां वो फरलॉन्ग में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। मैं फीट में यहां से भेज दूं अपनी जो भी हमने जिस चीज की भी लेंथ भेजनी है वो वहां भेज दी वो इंफॉर्मेशन, लेकिन उनको पता ही नहीं कि फीट क्या होता है, ठीक है। वो उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे, गेटिंग इट। तो व्हाट वी डिड इज वी चोज वन ऑफ दीज एज अ स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब सारी की सारी यूनिट स्टैंडर्डाइज है, लेकिन इनमें से कोई एक यूनिट को हमने चूज कर लिया वर्ल्ड वाइड यूज करने के लिए। क्लियर होगी बात? इनमें से कोई एक यूनिट को हमने चूज कर लिया वर्ल्ड वाइड यूज करने के लिए। तो लेंथ के केस में इट इज मीटर, ठीक है। लेंथ के केस में इट इज मीटर, ये मेट्रिक सिस्टम का पार्ट है, इसको कहते हैं। तो दैट इज द यूनिट चोजन फॉर टू बी यूज वर्ल्ड वाइड इज मीटर फॉर लेंथ, ठीक है जी। सेम वे अगर मैं मास की बात करूं, मास में तुमने सुना होगा भाई पाउंड, 1 पाउंड का केक, 2 पाउंड का केक, 1 किलो, 1 किलो चीनी, 1 किलो शक्कर, ठीक है, 1 ग्राम, है ना, 1 तोला, ये सब सुना होगा। 1 तोला, तोला पता है ना सबको? हाँ भाई, 1 तोला सोना, दिस इज इक्वल टू 10 ग्राम्स, ठीक। तो इसमें भी हमने क्या किया, क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स है हमारे पास, तो हमने भी एक यूनिट को एज अ स्टैंडर्ड ले लिया थ्रू आउट फॉर ऑल फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसको हमने वी चोज इट टू बी दिस 1 kg, ठीक है। इस तरीके से हमने एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया है, ठीक है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया है हमने, उसको देख पहले इसको नोट डाउन करो जल्दी से। यूनिट की मेजर सॉरी यूनिट की डेफिनेशन तुमने लिख ली थी, अब इस पर्टिकुलर पार्ट को लिख लो कि भाई लेंथ की, देखो इनफैक्ट मैं बोल देता हूं, देखो लेंथ कैन बी मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स, लेंथ कैन बी मेजर्ड मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स। सो वन यूनिट वॉज चोजन, एज अ स्टैंडर्ड टू बी यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो वन यूनिट वॉज यूज एज अ स्टैंडर्ड टू बी यूज टू बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द लेंथ थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। सेम वे विथ मास, ठीक है, मास कैन, सेम वे विथ मास, मास कैन ऑल्सो बी मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स, मास कैन ऑल्सो बी मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है जी। केजी वॉज ऑल्सो चोजन एज अ स्टैंडर्ड यूनिट, केजी वॉज ऑल्सो चोजन एज अ स्टैंडर्ड यूनिट टू बी यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड, टू बी यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। अगर मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ तो बता देना भाई, ओके लेंथ, ठीक है। तो इसे अभी नोट डाउन कर लो कि हमने इसमें मीटर यूज किया, इसमें केजी यूज किया। 15 सेकेंड है, जल्दी करो। ठीक है, आई थिंक यू मस्ट हैव रिटन इट, अदरवाइज इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो, मिटा रहा हूं इसे मैं, ठीक ठीक है जी। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन यहां पे हुआ या किया गया, ये किसने किया था? ये एक इंटरनेशनल संस्था है, मैं फ्रेंच में लिख रहा हूं क्योंकि नाम ही उसका फ्रेंच में है।
उसको पढ़ते कैसे है भाई हमें नहीं पता, लेकिन जैसे हम पढ़ सकते हैं वो पढ़ लेते हैं, ले सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट। ठीक है, ये बॉडी है जिसने ये सारी यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज किया पहली तो, ठीक है, जो चोजन यूनिट्स हैं और थ्रू आउट द वर्ल्ड, पहली चीज। दूसरा क्या है कि इन्होंने एक पर्टिकुलर वे में इसको किया, कैसे, इन्होंने कहा कि हम कुछ यूनिट्स को बेस यूनिट्स मान लेंगे, कुछ यूनिट्स को बेस यूनिट्स मान लेंगे और कुछ यूनिट्स को इनसे डिराइव कर लेंगे। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूनिट्स को इस तरीके से काइंड ऑफ चूज किया और फिर इस तरीके से क्लासिफाई कर दिया, बांट दिया कि उनमें से कुछ यूनिट्स को उन्होंने बेस यूनिट्स माना और उन यूनिट्स को यूज करते हुए बाकी और प्रॉपर्टीज के लिए जो यूनिट्स यूज होनी थी उनको डिराइव कर लिया। ठीक है, डिड यू गेट दिस? तो बेस यूनिट जैसे 7 बेस यूनिट्स होती है, ध्यान रखना 7 होती है बेस यूनिट्स। ठीक, लेंथ के लिए हो गया मीटर, मैं यहां पे उसकी प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, लेंथ यहां पे प्रॉपर्टी लिख रहा हूं और यहां पे उसकी यूनिट लिख रहा हूं। लेंथ की क्या हो गई, मीटर। ठीक है, मास केजी। ठीक है जी, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये अभी तुमने पढ़ा नहीं है अभी तक, या मे बी शायद पिछली क्लासों में कभी किसी ने देखा हो, लेकिन ये अभी आएगा इसी चैप्टर में। अब इसकी यूनिट होती है मोल, जिसको समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है भाई, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। करंट एम, और लास्ट इज ल्यूमिनोसिटी। ये जो लास्ट वाली है ना, इसको आज तुम आखिरी, पहली और आखिरी बार पढ़ रहे हो, एटलीस्ट 11th 12th में कहीं यूज नहीं होने वाले। ये यूज होगी, ये फिजिक्स में यूज होगी मोस्टली, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बाकी ये पांचों तो हम यूज करेंगे। ठीक है, केल्विन, कैपिटल वाला केल्विन है। ठीक है जी, तो ये इनको नोट डाउन भी करा दूंगा, ये तो तुम्हारी बेस यूनिट होगी। ठीक है ना, तो हम यूनिट्स को डिफाइन कर चुके हैं, फिर हमने देखा कि उसमें कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स को हमें चूज करना पड़ रहा है ना एज स्टैंडर्ड, तो उन यूनिट्स को इन्होंने चूज किया और ऐसे डिवाइड कर लिया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो 7 यूनिट्स हैं, इनको हम किसी से डिराइव नहीं कर रहे, हम इनको डिफाइन करेंगे खुद से और फिर इनके बेसिस पे हम कुछ यूनिट्स डिराइव करेंगे, और वो जो यूनिट्स डिराइव होंगी, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को मेजर करने वाली यूनिट्स जो है वो डिराइव होंगी, उन यूनिट्स को हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है जी, तो ऐसा करो, पहले इनको नोट डाउन कर लो और कुछ स्पेस छोड़ देना, कुछ स्पेस इसलिए छोड़ देना क्योंकि इनकी डेफिनेशन जो है बेस यूनिट्स की, जो डेफिनेशन है ये मीटर की, केजी की, सेकंड की, केल्विन की, मोल की, एम्पियर की, कैंडेला की, इन सब की जो डेफिनेशन है वो तुम्हारी एनसीईआरटी में दी है। मैं यहां पे लिखा के उसे समय वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, इसको इस टाइम को कुछ और काम के लिए यूज कर लेंगे। तो उन डेफिनेशंस को डेफिनेटली लिख जरूर लेना, कोई तुमसे कभी पूछने वाला नहीं, एक्सेप्ट फॉर मे बी और स्कूल एग्जाम्स, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं है कि भाई मास की, मीटर की डेफिनेशन क्या होती है या इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक, लेकिन पढ़ जरूर लेना एक बार। ठीक है, स्टैंडर्ड किसी भी हो सकता है किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा आ जाए। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर डिराइव्ड यूनिट्स की थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, 30 सेकेंड दे रहा हूं। ठीक है,
ये नोट डाउन कर ली होंगी। चलो तो अभी बेस यूनिट और डिराइव यूनिट को थोड़ा डिफाइन कर ले, फिर मैं डिराइव यूनिट पे आता हूँ। बेस यूनिट क्या हुई? दोज यूनिट्स विच आर विच लिखो दोज यूनिट्स विच आर यूनिट्स यूज्ड फॉर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दोज क्वांटिटीज विच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, ठीक है, उनको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं, एंड कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, ठीक है, क्लियर हुआ? हालांकि चलो ठीक है, पहले इसको लिख लो, फिर वो बात भी बता देंगे। डिराइव्ड यूनिट्स क्या हुई? डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स हुई जो कि बेस यूनिट से डिराइव हो सकती है, ठीक है, तो लिखो डिराइव्ड यूनिट्स, लिखना उसमें लिखना दोज यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स दोज यूनिट्स विच आर यूज टू मेजर अदर क्वांटिटीज, विच आर यूज टू मेजर अदर प्रॉपर्टी, नॉट क्वांटिटीज, अदर प्रॉपर्टीज एंड कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम यूजिंग बेस यूनिट्स, एंड कैन बी डिराइव्ड यूजिंग बेस यूनिट्स, बेस यूनिट्स को यूज करके हम इसको डिराइव कर सकते हैं। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है जी, ये क्लियर है, ये हो गया, ये हो गया जी, ओके। नाउ डिराइव्ड यूनिट्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो लेंथ है, अभी मुझे एरिया चाहिए, तो एरिया की कोई अलग से यूनिट नहीं है, वो मीटर के टर्म्स में ही दिख सकते हैं। एरिया की यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर, ठीक है जी, मीटर स्क्वायर, गॉट इट, गुड। अच्छा जी, इसी तरीके से वॉल्यूम की बात करो, वॉल्यूम की क्या हो गई? मीटर क्यूब। तो ये डिराइव हो रही है ना, ये इस क्वांटिटी या इस प्रॉपर्टी को मेजर करने वाली जो यूनिट है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम हियर, सेम वे दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम हियर, ठीक। सेम वे हम डेंसिटी की बात कर सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी क्या होगी, सबको पता है भाई या नहीं? मास पर यूनिट वॉल्यूम विच इज केजी पर मीटर क्यूब। आर वी क्लियर? ठीक है, तो ये तुम्हारे डिराइव यूनिट्स के एग्जांपल्स हो गए, गॉट इट। अच्छा ठीक, ये हो गया, ओके, इसे नोट डाउन करो, फिर एक चीज बताता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, नोट डाउन करो जल्दी। ठीक है, आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा। मैंने एक चीज बोली थी कि डिराइव, सॉरी, बेस यूनिट्स कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम अदर यूनिट्स, है ना, तो बाय डेफिनेशन हम उसको इस तरीके से रखते हैं कि वो किसी और से डिराइव ना हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो डिराइव नहीं कर सकते। जैसे मान लो तुमने एरिया को एज अ बेस यूनिट मान लिया, एरिया को एज अ बेस यूनिट मान लिया, ए डैश करके उसकी यूनिट मान ली, फॉर एग्जाम्पल एरिया की यूनिट को तुमने ए डैश माना और इसको कहा कि ये बेस यूनिट है, ठीक है, और इस केस में जो लेंथ की यूनिट है, ठीक है, वो इसके टर्म्स में हमें लेनी पड़ेगी, इसके टर्म्स में हमें लेनी पड़ेगी, तो एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर, देयरफॉर लेंथ विल बी अंडर रूट ऑफ एरिया। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट जो भी होगी दैट विल बी यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू ए डैश, जो उसकी यूनिट थी एरिया की, उसका अंडर रूट, ठीक है, कंफ्यूज मत करना इस चीज को। यहां पे हमने जो बेस यूनिट्स डिफाइन करी थी उसके बेसिस पे ही हमने बाकी डिराइव यूनिट्स डिराइव की हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर मान लो हमने इंस्टेड ऑफ लेंथ एरिया को बेस यूनिट माना होता, तब हम क्या करते हैं? तब हम लेंथ की जो यूनिट होती है वो इस तरीके से कुछ निकालते हैं, ठीक है, वॉल्यूम की, डेंसिटी की यूनिट्स भी ए डैश के टर्म्स में निकलती, ठीक। तो ये हमारे हाथ में है कि हम किसको बेस यूनिट माने और किसको नहीं, तो कोशिश ये रहती है कि भाई जो चीजें थोड़ी सी
सरल हो, आसान हो, इजी हो, उनको ही उस तरीके को ही इंप्लॉय किया जाए जो सबकी समझ में आ जाए। अब अगर मैं ये करूंगा तो बहुत सारे लोगों की समझ में शायद ना आए, यार यार ए डैश कैसे आ गया, ये अंडर रूट ऑफ ए डैश कैसे आ गया। तो सिंपल तरीके से ये चीजों को डिफाइन किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये बता दिया कि बेस यूनिट कैन बी डिफाइंड लाइक एनी एनी यूनिट कैन बी डिफाइंड एज अ बेस यूनिट, बट हमने क्या कन्वेंशन लिया, हमने इन 7 यूनिट्स को बेस यूनिट माना है। इसको मिटा रहा हूं भाई मैं, चाहो तो इसको एज एन एग्जाम्पल नोट कर सकते हो, 10 सेकेंड्स दे रहा हूं उसको नोट करके, फिर उसके बाद विल मूव फॉरवर्ड आगे की बात करते हैं। ठीक है, ये तुमने नोट डाउन कर लिया होगा, आई एम प्रिटी श्योर नाउ। तेज लिखना सीखो बेटा, ये 11th 12th में बहुत तेज लिखना पड़ेगा। इसको मिटा रहा हूं मैं। अब बात करते हैं हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो हमने जो डिफाइन किया वो तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना, लेकिन कभी कभी क्या है कि कुछ चीजें अभी भी पुराने, कहीं कहीं पे कुछ चीजें पुराने तरीके से ही हो रही होती हैं, कुछ यूनिट्स अभी भी पुराने टाइप की यूज हो रही होती हैं, ठीक है ना। तो उसको अगर हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करना हो, उस यूनिट का जो मेजरमेंट है हमें उस स्टैंडर्ड यूनिट के मेजरमेंट में कन्वर्ट करना हो, तो हम कैसे करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि इस जो भी वो लड़का था, बड़ा भाई था, उसकी हाइट थी 5 फीट, ठीक है, और मैं कहूं कि नहीं यार मुझे तो ये मीटर्स में चाहिए, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, यहां पे मैं बेसिकली इन यूनिट्स का कन्वर्जन बता रहा हूं, तो चाहे तो तुम इसकी हेडिंग डाल सकते हो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है जी, 5 फीट, 5 फीट इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, हाउ विल आई डू दैट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम एक फंडा यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं यूनिट फैक्टर। जैसे 1 इंच जो है, या यूं कह लो इस तरीके से लिखते हैं, 1 फीट या 1 फुट जो है दैट इज इक्वल टू 12 इंचेस। ये सबको पता है कि नहीं पता है भाई, ये तो पता ही होगा, 1 फीट जो होता है वो 12 इंच के बराबर होता है, ठीक है जी। अच्छा 1 इंच अगर किसी को ना पता हो तो भाई फोन वोन होंगे, उसमें जो कैलकुलेटर होता है वहां पे कन्वर्टर भी होता है, उसे भी देख सकता है, ठीक है, सीखने के लिए, हर बार यूज करने के लिए नहीं। 1 इंच इज इक्वल टू, अगर मेरे को मीटर्स में जाना है तो मैं ऐसे कुछ चीजें लिख रहा हूं, देखते हैं उसको कैसे कर पाएंगे। इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर्स, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ठीक है। ये मैंने कुछ इंफॉर्मेशन तुम्हें दे दी, ठीक। अभी मैं कह रहा हूं 5 फीट जो हाइट थी उसको मीटर्स में कन्वर्ट करके बताओ। तो तुमने पहले देखा होगा कि एक तरीका क्या करते हैं कि भाई 1 फुट अगर 12 इंच के बराबर है तो 5 फीट किसके बराबर होगा, इसको 500 मल्टीप्लाई करोगे, इस साइड को 500 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 इंचेस, ठीक है, फॉलो, जस्ट फॉलो करो इस कैलकुलेशन को, 60 इंचेस। 1 इंच अगर 2.54 सेंटीमीटर के बराबर है तो 60 इंच किसके बराबर होगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 60 इंचेस विल बी इक्वल टू 2.54 × 60 सेंटीमीटर्स, 60 × 2.54 सेंटीमीटर्स, ये क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा इसको, इसका मतलब क्या हुआ, 5 फीट इज इक्वल टू 2.54 × 60 सेंटीमीटर्स, ठीक, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर्स है, देयर फोर 2.54 × 60 सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर्स कितने के इक्वल होगा, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे और राइट साइड में मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, तो यहां पे इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा,
इधर किधर आ जाएगा 2.54 × 60/100 ठीक है। तो ये बहुत बहुत ही कंबर्सम लग रहा होगा, बहुत ही डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, कुछ लोगों ने ऑलरेडी किया होगा तो आसान भी लग रहा होगा। तो इसको इसे पार पाने के लिए हम एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं यूनिट फैक्टर, ठीक है, यूनिट फैक्टर, ठीक है। ये फंडा क्या है उसको देखो, जो ये 1 फुट = 12 इंचेस मैंने लिखा है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, इस चीज को इस तरीके से लिख सकता हूं कि 1 फुट upon 12 inches = 1। इसको यहां ले आओ पूरे के पूरे को यूनिट के साथ, यूनिट के साथ से आया तो 1 के इक्वल होगा। अच्छा अगर मैं इसको इसके नीचे ले आऊं तो भी इक्वल टू 1 ही होगा, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 12 inches upon 1 foot। तो ये जो यानी यहां लिखा है बस देख लो ये दोनों सही है कि नहीं, अलग अलग भी लिख सकते हो यार, मतलब दिस इक्वल टू 1 और इसको हटा के दिस, अच्छा ठीक है यार एंड लिख देते हैं, कंफ्यूज ना हो तो ठीक है। 1 foot upon 12 inches = 1 एंड 12 inches upon 1 foot = 1, दिस एंड दिस, दीज आर कॉल्ड यूनिट फैक्टर्स, दीज आर कॉल्ड यूनिट फैक्टर्स, ठीक है, सिंपल है। इसी तरीके से बाकियों का भी कर सकते हो तुम नीचे, हा? बाकी का भी कर सकते, इसका भी कर सकते, इसमें क्या आएगा 1 inch upon 2.54 centimeter = 1 एंड 2.54 centimeter upon 1 inch = 1। सेम वे इधर भी कर सकते हो, 1 centimeter upon 1/100, तो 1/100 को मैं 100 को ऊपर ले जाना पड़ेगा तो क्या जाएगा 100 centimeter upon 1 meter = 1 और सॉरी एंड 1 meter upon 100 centimeter = 1। तो ये ठीक है, ये 6 के 6 जो मैंने यहां लिखे हैं दीज आर कॉल्ड यूनिट फैक्टर्स। तो ये तुम्हें हमेशा यूज करने होंगे फॉर कन्वर्टिंग वन यूनिट इंटू अनदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे यहां से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, 5 feet को इससे रिलेटेड एक यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहां फीट ऊपर है ना, हम नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें ये डिनोमिनेटर में, तो 5 feet into क्या जाएगा, क्योंकि ये 1 है ना भाई, अगर मैं 1 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो इसकी मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या है 12 inches upon 1 foot या फीट लिख लेते हैं इसको, क्योंकि फीट से फीट कट जाएगा ना, तब क्लियर होगी मेरी बात ये, ओके, क्योंकि इनटू 1 हमने किया तो उसकी मैग्नीट्यूड या उसके क्या कहते हैं उसकी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया। अच्छा जी अभी यहां पे हमारे पास फीट से फीट कट जाएगा तो इंचेस में आ जाएगा, लेकिन हमें इंचेस में तो आंसर नहीं चाहिए, हमें तो मीटर्स में चाहिए, तो हम यहां पे आते हैं, यहां पे इंच ऊपर है तो हमें नीचे वाला लेना पड़ेगा, दिस वन क्या जाएगा इंटू, क्योंकि ये भी 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्या आएगा 2.54 centimeter upon 1 inch। आर बी क्लियर, ठीक है। अभी भी हमें देखो फीट से फीट कट जाएगा, इंच से इंच कट जाएगा, हमें सेंटीमीटर में आंसर मिलेगा, लेकिन हमें सेंटीमीटर में चाहिए नहीं, हमें किसमें चाहिए, हमें चाहिए है मीटर्स में, मीटर्स में चाहिए, तो हम क्या करेंगे इंटू, ये 1 centimeter है, 1 meter upon 100 क्या कर लेंगे इसको, सेंटीमीटर ऊपर है सेंटीमीटर नीचे कौन से यूनिट फैक्टर में, दोनों में से इसमें है, तो हम क्या करेंगे 1 meter upon 100 centimeter, ठीक है। तो अब क्या होगा, फीट से फीट कट जाएगा, अब है ना इंच से इंच कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, और फाइनल जो आंसर आएगा हमें अभी मीटर्स में मिलेगा, ठीक है नहीं। तो अभी मैं इसको कैसे लिखूंगा, दिस विल बी इक्वल टू 5, अच्छा 5 तो यहां से बचा, यहां से क्या बचा भाई ये इंच, ये 1 तो नीचे है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये 12 आ जाएगा इंटू 12, अच्छा यहां पे 1 है नीचे, इंच से इंच कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ऊपर क्या बचा 2.54, और यहां क्या बचा, यहां नीचे 100 है ऊपर 1 है, तो 1 को रहने दो, क्या या फिर ऐसे लिखते 1 by 100 meters, ठीक है। जो चीज वहां आ रही थी ना 6, ये कितना होता है 60,
16 × 2.54 × 1/100 उस वक्त भी आ रहा था, यहां से भी आ रहा है। ये थोड़ा सा आसान तरीका लगता है ना करने के लिए कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा। तो तुम्हारा यहां पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 5 feet विल बी इक्वल टू 60 × 2.54 / 100। दिस इज व्हाट यू विल गेट। गॉट इट? सिंपल। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इस तरीके से हो सकता है। इस पे कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आज तुम्हें व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, क्लियर है? इसको नोट डाउन करो जल्दी से, समझ में ना आए तो पिंग कर देना भाई, जल्दी से नोट डाउन करो, 30 सेकंड्स दे रहा हूं। ये भी 1 घंटे का वीडियो होने वाला है भाई। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, इसको मैं मिटा रहा हूं अभी, जिसने ना किया वो भाई रिवर्स करके या रिवाइंड करके इसको नोट डाउन कर ले, ठीक है जी। इसी के अंदर हम एक और चीज पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं यूनिट्स सिस्टम, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, ठीक है, ये क्या है, एमकेएस सिस्टम कहते हैं हम इसको, एमकेएस सिस्टम। इसको क्या कहते हैं, एफपीएस सिस्टम, और इसे हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम। अब ये सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस है क्या? एम इज मीटर्स, मतलब लेंथ की अगर मैं यूनिट लूंगा तो इस सिस्टम में लेंथ की यूनिट जो होगी वो मीटर्स में बताई जाएगी, ठीक है। के मतलब केजी, एस मतलब सेकंड, ठीक है। इसमें अगर मैं फिट इसकी बात करूं तो ये हो गया फुट या फीट, पी क्या हो जाएगा, पाउंड, और ये सेकंड। इसमें ये क्या होगा, सीजीएस सेंटीमीटर्स, ये क्या हो जाएगा ग्राम्स, और ग्राम्स और सेकंड, ठीक है। तो ये तीन सिस्टम कहीं ना कहीं तुम्हारे, ये तो बहुत ही कम होता है, ये दोनों यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम्स तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मीटर पर सेकंड है, सॉरी मीटर्स है ये, है ना। तो इसमें जैसे वेलोसिटी मैं लिखूंगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी इस वाले केस में क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। इसमें क्या आएगा, फीट पर सेकेंड। इसमें क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। सेम वे मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फीट पर सेकंड स्क्वायर, या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट्स से मैं बात करता हूं फोर्स की, फोर्स क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो यहां क्या जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहां केजी की जगह क्या जाएगा, पाउंड फीट स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहां क्या जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर हुई ये बात। तो एक ही प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, कोई क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर रहे हैं, वो ही को, उसी को हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो हमारे पास काम रहता है वो काम ये रहता है कि अगर हमें कभी मीटर्स पर सेकंड में दी हो
हम उसे सेंटीमीटर्स पर सेकेंड में कैसे एक्सप्रेस करें, ठीक है, या मा, है ना। तो इनके बीच में कन्वर्जेंस कैसे करोगे तुम, जैसे हमने इससे पहले भी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का एग्जांपल लेके कह रहा था ना, वैसे ही तुम इनमें भी कन्वर्जेंस करोगे, ठीक है जी। ओके ठीक मैम, चलो इसको नोट डाउन करो यार जल्दी से, मिटा नहीं रहा हूँ जल्दी जल्दी जल्दी, एक घंटे का वीडियो हो गया ऑलमोस्ट 50 मिनट्स। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, या फिर चलो ठीक है तुम इसको करो, मैं इधर एक छोटी सी चीज समझानी है। जैसे डेंसिटी है, ठीक है, इधर करके कर लेता हूं, तुम इसको नोट डाउन करो। जैसे डेंसिटी है तो डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, या केजी पर मीटर क्यूब जो है इस तरीके से भी डिफाइन होती है या एक्सप्रेस होती है, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी डिफाइन होती है, ठीक है। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम 1 सेंटीमीटर क्यूब भी यूज करते हैं, 1 dm³ भी मेजर करते हैं, 1 लीटर भी मेजर करते हैं, और 1 मीटर क्यूब भी मेजर करते हैं। मतलब ये यूनिट्स है जो कि यूज की जाती है इनको मेजर करने के लिए, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब को अगर हम what we can do is कि इनके बीच में कन्वर्जन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें काम घर के लिए दिया जाए कि अभी किया जाए, चलो इसका जो कन्वर्जन है इनके बीच में, जो रिलेशनशिप है इन यूनिट्स के बीच में, इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन तुमको घर के लिए दे दूंगा, नहीं होंगे तो हम कर लेंगे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गॉट इट। ठीक है जी, इसको डेंसिटी को जैसे इस तरीके से एक्सप्रेस किया इतना लिख लो, ये क्वेश्चन मैं दे दूंगा, ठीक, जल्दी से करो इसको। ठीक, चलो इसको मिटाते हैं अभी, आज ऐसा करते हैं इसको यहीं पर रहने देते हैं। इसका कुछ एक छोटा सा पार्ट बचा है जो कि डेंसिटी और टेम्परेचर को लेके है, मैं सोच रहा हूं उसको अलग से ले लूं क्योंकि डेंसिटी में कुछ और चीजें बतानी है। तो आज के लिए यहीं पे कंप्लीट करते हैं, इसके आगे वाला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मजे करो।